हेलो एवरीवन, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको इतिहास का जो क्रम है उसको ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा। ट्रिक के माध्यम से जल्दी समझ में आता है और क्रम भी अपने को याद रहता है। डिटेल तो आपने पढ़ी होगी, तो एक प्रकार का ये आपका रिविज़न हो जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में और भी अन्य वीडियो हैं जो बिल्कुल ट्रिक से समझा रखे हैं, आपको उन्हें ज़रूर देखना है। चलिए बिना देर किए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास तो क्या है? इतिहास मानव के प्रगति की कहानी के उस भाग को हम इतिहास कहते हैं जिसके लिए जो है ना आपको लिखित विवरण मिला, वो आपका इतिहास है। मतलब लिखना और उसको पढ़ना ये इतिहास कहलाता है, ठीक है? यानी कि बीती हुई बातों को हम इतिहास कहते हैं, लेकिन जब से हमें लिखित विवरण मिला है और उस लिखित विवरण को हमने पढ़ लिया, तब से आपका क्या शुरू होता है? इतिहास शुरू होता है। इसको सुविधा की दृष्टि से इतिहास को तीन भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल कहते हैं, और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है? तो यहाँ पर जो पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, इस प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये है कि जब मनुष्य के पास घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं था, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। मतलब कोई लिखित विवरण नहीं, ये पूरा एक प्रकार से पाषाण काल कहलाता है। मतलब पत्थरों के साथ ही जीवन यापन करना और पत्थरों के माध्यम से ही अपना भोजन, आवास और ये सारी चीजें, वो कहलाता है आपका प्रागैतिहासिक काल। तो सीधा सा मतलब ये कि कोई भी लिखित विवरण यहाँ नहीं मिला, वो है आपका प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, या इसको उत्तर पाषाण काल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमें लिखित विवरण तो मिला लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल यानी कि वैदिक काल, इसमें लिखित विवरण मिला और उसको पढ़ा भी गया, ये आपका ऐतिहासिक काल है। तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि कोई लिखित विवरण यहाँ नहीं मिला, उसको चार भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ठीक है? यानी कि पूरा पाषाण काल, पाषाण माने पत्थर, ये भी एक प्रकार से पूरा पाषाण काल ही है, ठीक है? पूरा जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। देखिए, इसकी ट्रिक है पूरी मानवता। क्या है ट्रिक? पूरी मानवता। यानी कि प्रागैतिहासिक काल को हमने ट्रिक के माध्यम से क्या समझा? पूरी मानवता। यानी कि पूरी मतलब पूरा पाषाण काल, है ना? यहां से म मतलब मध्य पाषाण काल, नव मतलब नव पाषाण काल और ता मतलब ताम्र पाषाण काल, ठीक? ये आपको समझ में आया होगा, पूरी मानवता यानी कि पूरा पाषाण काल, ठीक है? उसके बाद मा से मध्य पाषाण काल और नव से नव पाषाण काल और तीसरा है ताम्र पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल मतलब 25 लाख वर्ष जो है 12,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, है ना, बीसी है यहाँ पर ये, और नव पाषाण काल मतलब 10,000 से लेकर 3,500 ईसा पूर्व तक, और ताम्र पाषाण काल यानी कि तांबे की जब खोज हुई तो 3,500 यानी कि 3,500 से लेकर 700 ईसा पूर्व तक, ये इसका टाइम पीरियड है। देखिए, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि मोटे औजार यहाँ उपयोग में लाए गए, पत्थरों के मोटे औजार थे, ठीक है, एक प्रकार से धारदार नहीं थे, ये मोटे औजार थे। और इसी काल में क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार से काफी फायदा पहुंचा मानव को, यानी कि दो पेड़ों के आपस में टकराने से जो चिंगारी उत्पन्न हुई होगी, शायद जंगल में जो आग लगी होगी, उससे मानव ने देखा होगा कि एक प्रकार से ठंड के मौसम में जो है उसे गर्मी का एहसास हुआ और अपने शरीर को जो है एक उचित तापक्रम यहाँ पर मिला होगा, और उस आग लगने से उस आग में कोई जानवर वगैरह जो है मर गए होंगे, जब उस जानवर को खाया होगा इंसान ने, तो उनको एक प्रकार से पकाया हुआ भोजन का स्वाद मिला होगा यहाँ पर। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ होगा कि जब कंदमूल फल जब मानव जो है अपने भोजन के लिए उपयोग कर रहा था, तो कंदमूल फल को पकने में काफ़ी समय लगता है। इस प्रकार से जब कंदमूल फल जो है वो कम मात्रा में मिलने लगा, तब उसने आँखें टक यानी कि शिकार करना शुरू कर दिया जानवरों का, और पशुपालन यानी कि जानवरों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया, कुछ पालतू पशुओं को अपने साथ रखा। नवपाषाण काल में इस एक प्रकार से कृषि जो है उनके सामने कृषि का आविष्कार हो गया, और उन्होंने धीरे धीरे खेती करना चालू कर दिया, चावल गेहूं और जौ की फसल को उपजाया और समुदाय में रहना शुरू कर दिया, और एक प्रकार से पहिए का आविष्कार उनके लिए बड़ा वरदान साबित हुआ। पहिए के आविष्कार से
जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में काफी कम समय लगा और यहाँ पर जो औजार थे वो धारदार थे। इसके बाद ताम्रपाषाण काल, एक प्रकार की धातु जो है यहाँ पर उपयोग में लाई गई वो तांबा धातु थी, मतलब पाषाणों के उपकरण के साथ साथ तांबे का भी उपयोग किया जाने लगा। इस प्रकार ताम्रपाषाण काल यहाँ पर ये जो है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धातुओं में सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग में लाई गई और खोजी गई धातु कौन सी थी, तो वो तांबा धातु थी, ठीक है। और इस प्रागैतिहासिक काल के जो मानव है वो आदिम मानव थे, यानी कि होमिनिड्स मानव थे, और ये अफ्रीका में प्रकट हुए थे और वे सब खत्म हो गए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पुरापाषाण काल में मानव का कोई भी अस्थि पंजर इस भारत में अपने इस देश में नहीं मिला है। और वर्तमान की बात करें तो आज से लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व इसी समय पेड़ों पर रहने वाले जो वानर थे उन वानर से ही आदि मानव विकसित हुआ और पृथ्वी पर सीधे खड़े होकर चलता था और धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का आकार बढ़ा और जो विकास हुआ, और ये जो विकास होने वाला जो मानव है इसी को हम ज्ञानी मानव या होमो सेपियंस कहते हैं। और धरती पर जो है यूरोप में प्रकट हुआ। इस प्रकार जो आज के सभी मानव जो है ना वो सब होमो सेपियंस जाति के ही प्रतिनिधि है। तो इतिहास के निर्माण का जो आधार है वो क्या है, पुरातत्व विज्ञान, यानी कि पुरातत्वविद जो होते हैं ना वो खुदाई करते हैं, उत्खनन करते हैं और उनको औजार हथियार स्मारक अवशेष और कई सारी चीज़ें उनको मिलती है और उसके आधार पर इनकी जो है काल गणना करते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो स्मारक वगैरह है, ये कितनी पुरानी है, इन सब का जो इनकी आयु का निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर देंगे। यहाँ पर एक चीज और है कि जो सम्राट अशोक है उस अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जो है वो किसने प्राप्त की, तो वो है 1837 में सर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की गई। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, थैंक यू।